सबसे बड़ा स्तंभ है जिनकी वजह से मेरे रास्ते पे है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली आप लोग मेरी मां और मेरी मां पहचान जी के लिए। लेन चल चट्टी बाबी राम लोर जिंदाबाद, लेन चल चट्टी बाबी राम लोर जिंदाबाद, अगर ये राम लोर पहचान रहे हैं। मैं आप सबसे चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को आप सब पापा के साथ भी मम्मी इसी तरीके से ढाल बनकर खड़ी रहती थी। उनके पीछे उनके सारे कार्यक्रमों को देखना ये जिम्मेदारी उन्होंने हमेशा निभाई और आज उतनी ही मजबूती से ये मेरे साथ खड़ी है। एक बेटे के लिए इससे बड़े खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। एक बार फिर से आप सबका यहाँ आने के लिए आदरणीय बुजुर्गों माता मेरे मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों तमाम पत्रकार साथियों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय बिहार। बिहार फेस बिहार फेस बिहार फेस बिहार फेस बिहार फेस। आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपनी मां का दर्जा दिया, आज आप लोगों के बीच हूँ अपने परिवार के बीच और मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि आप सब मेरा परिवार है और आज अगर चिराग पासवान जीवित है तो आप लोगों की वजह से चिराग पासवान है, आप लोगों के कारण। बड़ी बड़ी शक्तियों ने चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया, बड़ी बड़ी ताकतों ने चाहा कि चिराग पासवान समाप्त हो जाए। चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया गया पर आज चिराग पासवान का अस्तित्व है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, आपकी वजह से। लोग देश में ही नहीं दुनिया में जानते हैं तो उसका कारण मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी हैं। आप लोगों ने दो दो बार मेरे नेता मेरे पिता का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने का काम किया। क्या एक बार फिर हाजीपुर की जनता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए तैयार है? साथियों ये मामूली बात नहीं है और मैं तमाम मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा दिखाई ये तस्वीर और ये परिणाम आज से ही स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में हाजीपुर लोकसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी की जीत 100% आप लोगों के आशीर्वाद से है। साथियों आज अभी आप लोगों के बीच आया हूँ, एक सपने को पूरा करने आया हूँ। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस अधूरे सपने को पूरा करना चाहता हूँ जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित करने का उन्होंने काम किया। पूरा जीवन उन्होंने लगाया कि किस तरीके से बिहार और बिहारियों को विकास की राह के साथ जोड़ा जाए। कहीं ना कहीं बिहार सरकार जितनी भी सरकारें वहां पर आई उन्होंने आप सबके बीच जाकर अपना मत लेने का तो काम किया, आप लोगों का वोट लेने का तो काम किया पर कभी भी बिहार को आगे लेकर जाने के लिए उन्होंने कार्य करना जरूरी नहीं समझा। आज
बिहार में जो सरकार है, पूछिए महा गठबंधन की सरकार से, आजादी के 75 साल से यही लोग सरकार में, देश आजाद हुआ यही लोग बिहार की सरकार में सत्ता में इन लोगों ने रहने का काम किया। लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल से हम लोगों ने कई मुख्यमंत्री हम लोगों ने देखने का काम किया, और लगभग पिछले 2 दशक से, लगभग पिछले 20 साल से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोग देखते आ रहे हैं। इतना लंबा समय बिहार के लोगों ने इन महागठबंधन के घटक दलों को देने का काम किया, पर उसके बावजूद आज भी बिहार पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। आज भी लोग कहते हैं कि भैया बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े नहीं होते। जो मुख्यमंत्री बिहार में अपराध को नियंत्रित नहीं कर सकते, जो मुख्यमंत्री बिहार में भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते, ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहना चाहिए क्या? मुख्यमंत्री के पद पे रहना चाहिए क्या? साथियों, आज चिराग पासवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इतनी नफरत क्यों है? क्या गुनाह है चिराग पासवान का? क्या गलत किया है चिराग पासवान ने? चिराग पासवान का कसूर बस इतना ही है ना कि चिराग पासवान बिहार में ही रोजगार की बात करता है, चिराग पासवान बिहार में बेहतर शैक्षिक संस्थानों की बात करता है, चिराग पासवान बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता है, चिराग पासवान बिहार की महिलाओं के सम्मान की बात करता है, बुजुर्गों की बात करता है, युवाओं की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है। और इस कसूर के लिए हर संभव प्रयास किए गए कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त किया जाए। षड्यंत्र रचा गया, पहले षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। उसके बाद षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान को उसके घर से, उसकी माँ जहाँ पर है, उसकी बूढ़ी नानी जो जिस दुनिया में भी नहीं है, उसके साथ इसका सामान सड़क पे फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ, जितनी ताकत हमारी है सर पे कफन बांध के निकला हूँ कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। सोच बस इतनी है कि कैसे बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके, कैसे बिहार को फर्ज और बिहारियों को फर्ज बनाया जा सके। पर मैं ये भी जानता हूँ कि चिराग पासवान अकेला इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता, जरूरत है आप सबको चिराग पासवान बनकर बिहार को, बिहार के गांव गांव में जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताने की। बोलिए